आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 10 धार्मिक और सामाजिक सुधार 1858 के बाद को पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 पार्ट में आएगा। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्र की वह उठती लहर जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष को जन्म दिया था, उन आंदोलनों के रूप में भी सामने आई जिनका उद्देश्य सामाजिक संस्थाओं तथा भारतीय समाज के धार्मिक दृष्टिकोण का सुधार करना और उनका लोकतांत्रिकरण करना था। अनेक भारतीयों ने यह अनुभव किया कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आधुनिक ढंग से देश का चौतरफा विकास करने तथा राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को विकसित करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास, नई आर्थिक शक्तियों का उदय, शिक्षा का प्रसार, आधुनिक पश्चिमी विचारों तथा संस्कृति का प्रभाव तथा दुनिया के बारे में पहले से अधिक जानकारी, इन सभी बातों ने भारतीय समाज के पिछड़ेपन तथा पतन के बारे में लोगों की चेतना को बढ़ाया ही नहीं बल्कि सुधार के संकल्प को और मजबूत किया। उदाहरण के लिए केशव चंद्र सेन ने कहा, आज हम जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं वह एक पतित राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी प्राचीन महानता ध्वंस होकर बिखरी पड़ी है। इसका राष्ट्रीय साहित्य और विज्ञान, इसका धर्मशास्त्र और दर्शन, इसका उद्योग और वाणिज्य, इसकी सामाजिक समृद्धि और घरेलू सरलता तथा मधुरता, यह सभी समाप्त हो चुकी बातों के साथ लगभग जा ही चुकी हैं। जब हम अपने चारों ओर बढ़ते आध्यात्मिक, सामाजिक तथा बौद्धिक सूनेपन के दुखदायी तथा निराशाजनक दृश्य देखते हैं तो हम इसमें कालिदास के काव्य के, विज्ञान तथा सभ्यता के देश को पहचानने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनता की स्थिति को इन शब्दों में व्यक्त किया, चिथड़ों में लिपटे वृद्धों और युवकों के यहाँ वहाँ भटकते कृशाकाय ढांचे, जिनके चेहरों पर सैकड़ों वर्षों की निराशा तथा गरीबी ने गहरी झुर्रियां डाल रखी हैं, हर जगह पाए जाने वाले गाय बैल तथा भैंस जैसे पशु, उनकी आंखों में वही गहरी उदासी, वही दुर्बल शरीर, सड़क के किनारे बिखरा कूड़ा और गर्द, क्या यही हमारा आज का भारत है? महलों के ठीक पड़ोस में चरमराती झोपड़ियां, मंदिर के ठीक पास कूड़े के ढेर, तड़क भड़क वस्त्रों में सजे व्यक्ति के साथ साथ चलता हुआ लंगोट पहने सन्यासी, अच्छे भोजन तथा तमाम सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति से दया की भीख मांगती और बेचमक निगाहों से देखता हुआ एक भूख का मारा व्यक्ति, क्या हमारा अपना देश है? भयानक प्लेग तथा कॉलरा के कारण भयानक तबाही, देश के पोर पोर को चबाता हुआ मलेरिया, मनुष्य की दूसरी प्रकृति बन चुकी भुखमरी और अर्ध भुखमरी, तांडव नृत्य करता हुआ अकाल का दानव, 30 करोड़ लोगों का यह समूह जो कहने भर को मनुष्य है, अपने ही देशवासियों तथा विदेशी राष्ट्रों द्वारा पीड़ित होकर जीवनहीन, किसी आशा, किसी अतीत, किसी भविष्य से वंचित, ऐसे कुटिल चरित्र के लोग जो केवल गुलामों को शोभा दें, जिनके लिए अपने ही भाइयों की संपत्ति असह है, उन बलवानों के तलवे चाटते हुए जो बलहीनों को प्राण घातक चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे भोंडे तथा निकृष्ट अंधविश्वासियों से ग्रस्त जो स्वाभाविक तौर पर कमजोर तथा भविष्य से निराश लोगों में आ जाते हैं, किसी भी नैतिक मानदंड से रहित इन
तरहों के 3 करोड़ प्राणी जो भारत के शरीर पर इस तरह रेंग रहे हैं जैसे कि सड़ती और बदबू देती लाशों के ऊपर कीड़े रेंगते हैं। हमारे बारे में यही वह तस्वीर है जो स्वाभाविक तौर पर अंग्रेज अधिकारियों के सामने उभरती है। इस तरह 1858 के बाद पहले की सुधारवादी प्रवृत्ति का आधार और व्यापक हुआ राजा राम मोहन रॉय तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे आरंभिक सुधारवादियों के काम को धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के प्रमुख आंदोलनों ने और आगे बढ़ाया। अब हम धार्मिक सुधार को पढ़ेंगे। विज्ञान, जनतंत्र तथा राष्ट्रवाद की आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं के अनुसार अपने समाज को ढालने की इच्छा लेकर तथा यह संकल्प करके कि इस रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी, विचारशील भारतीयों ने अपने पारंपरिक धर्मों के सुधार का काम आरंभ किया। इसका कारण था, ये धर्म उन दिनों जनता के जीवन का एक अभिन्न अंग था और धार्मिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार भी कुछ खास संभव नहीं था। अपने धर्मों के आधार के प्रति सच्चे रहकर भी उन्होंने उनको भारतीय जनता की नई आवश्यकताओं के अनुसार ढाला। अब हम ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय की ब्रह्म परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने इस सिद्धांत का भी खंडन किया कि वैदिक ग्रंथ अनुल्लंघनीय हैं। 1866 के बाद इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने आगे जारी रखा। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को हटाकर उसे एक ईश्वर की पूजी पर आधारित करके तथा वेदों को अनुल्लंघनीय ना मानकर भी वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षाओं के आधार पर उसमें सुधार लाने की कोशिश की। इसने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की भी कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपना आधार मानव बुद्धि को बनाया तथा उसे यह जांचने की कसौटी बतलाया कि प्राचीन या वर्तमान धार्मिक सिद्धांतों और व्यवहारों में क्या उपयोगी तथा क्या अनुपयोगी है। इस कारण धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को भी ब्रह्म समाज ने अनावश्यक बताया। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार तथा क्षमता प्राप्त है कि वह अपनी बुद्धि की सहायता से यह देखे कि किसी धार्मिक ग्रंथ या सिद्धांत में क्या गलत है और क्या सही। इस तरह ब्रह्म सामाजी मूलता मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वास पूर्ण कर्मकांडों के ही नहीं बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोधी थे। वे बिना किसी पुरोहित की मध्यस्थता के एक ईश्वर की पूजा करते थे। ब्रह्म लोग महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा तथा बाल विवाह का जमकर विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह समेत स्त्री कल्याण के सभी उपयोगी तथा स्त्री पुरुषों के बीच आधुनिक शिक्षा के प्रसार के वे समर्थक थे। ब्रह्म समाज अपने आंतरिक कला के कारण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कमजोर पड़ गया। इसके अलावा इसका प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। फिर भी 19वीं तथा 20वीं सदी में बंगाल तथा शेष भारत के बौद्धिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब हम महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार को पढ़ेंगे। बंबई प्रांत में धार्मिक सुधार कार्य का आरंभ 1840 में परमहंस मंडली ने किया। इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। पश्चिमी भारत के पहले धार्मिक सुधारक संभवतः गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें जनता लोकहितवादी कहती थी। वे मराठी भाषा में लिखते थे। उन्होंने हिंदू कट्टरपंथ पर भयानक बुद्धिवादी आक्रमण किए
और धार्मिक तथा सामाजिक समानता का प्रचार किया। उदाहरण के लिए 1840 के दशक में उन्होंने लिखा, पुरोहित बहुत ही अपवित्र हैं क्योंकि कुछ बातों को बिना उनका अर्थ समझे दोहराते रहते हैं और ज्ञान को इसी रटंत तथा भोंडे ढंग से सीमित करके रख देते हैं। पंडित तो पुरोहितों से भी बुरे हैं क्योंकि वे और भी अज्ञानी हैं तथा अहंकारी भी हैं। ब्राह्मण कौन है और किन अर्थों में वह हमसे भिन्न है? क्या उनके 20 हाथ हैं और क्या हम में कोई कमी है? अब जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो ब्राह्मणों को अपनी मूर्खतापूर्ण धारणाएं त्याग देनी चाहिए। उन्हें यह मान लेना चाहिए कि सभी मनुष्य बराबर हैं तथा हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। इसका कारण है कि धर्म को मनुष्य ने ही बनाया है और बहुत पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ हो सकता है कि बाद के काल के लिए प्रासंगिक ना रह जाएं। बाद में आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में हिंदू धार्मिक विचारों तथा व्यवहारों में सुधार लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया तथा धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों से और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त करने का प्रयास किया। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे इसके प्रमुख नेता थे। इस पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था। तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम के प्रयासों से इसका प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ। इसी समय महाराष्ट्र में गोपाल गणेश आगरकर भी कार्यरत थे, जो आधुनिक भारत के महानतम बुद्धवादी विचारकों में एक थे। ये मानव बुद्धि की क्षमता के प्रचारक थे। परंपरा पर अंध श्रद्धा तथा भारत के अतीत के झूठे महिमा मंडन की भी उन्होंने कड़ी आलोचना की। अब हम रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद को पढ़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस, जिनका जीवन काल 1834 से 1886 तक था, एक संत चरित्र व्यक्ति थे जो त्याग ध्यान भक्ति की पारंपरिक विधियों से धार्मिक मुक्ति पाने में विश्वास रखते थे। धार्मिक सत्य की खोज तथा स्वयं में ईश्वर का अनुभव करने के उद्देश्य से वे मुस्लिम तथा ईसाई दरवेशों के साथ भी रहे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने तथा मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं और यह कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है। उनके धार्मिक संदेशों को उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद, जिनका जीवन काल 1863 से 1902 तक था, ने प्रचारित किया तथा उनको समकालीन भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का प्रयास किया। विवेकानंद का सबसे अधिक जोर सामाजिक क्रिया पर था। उन्होंने कहा कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में, जिसमें हम रहते हैं, कर्म से हीन हो तो व्यर्थ है। अपने गुरु की तरह उन्होंने भी सभी धर्मों की बुनियादी एकता की घोषणा की तथा धार्मिक बातों में संकुचित दृष्टिकोण की निंदा की। जैसा कि 1898 में उन्होंने लिखा था, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। साथ ही वे भारतीय दर्शन परंपरा के श्रेष्ठ कर दृष्टिकोणों में भी विश्वास रखते थे।
वह खुद वेदांत के अनुयायी थे, जिसे उन्होंने एक पूर्णतः बुद्धि संगत प्रणाली बतलाया। विवेकानंद ने भारतीयों की आलोचना की कि बाकी दुनिया से कटकर वे जड़ तथा मृत प्राय हो गए हैं। उन्होंने लिखा, दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों से हमारे अलगाव ही हमारे पतन का कारण है और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र साधन है, गति जीवन का चिन्ह है। विवेकानंद ने जाति प्रथा तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के जोर देने की निंदा की तथा जनता से स्वाधीनता, समानता तथा स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। इस बारे में उनकी तीखी टिप्पणी इस प्रकार थी, हमारे सामने खतरा यह है कि हमारा धर्म रसोई में ना बंद हो जाए। हम अर्थात हम में से अधिकांश ना वेदांती हैं, ना पौराणिक और ना ही तांत्रिक। हम केवल हमें मत छुओ के समर्थक हैं। हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन में है और हमारा धर्म यह है कि हम पवित्र हैं, हमें छूना मत। अगर यह सब कुछ एक शताब्दी और चलता रहा तो हम में से हर एक व्यक्ति पागल खाने में होगा। विचारों की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा, विचार और धर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास तथा कल्याण की अकेली शर्त है। जहां यह ना हो वहां मनुष्य जाति तथा राष्ट्र सभी पतन के शिकार होते हैं। अपने गुरु की तरह विवेकानंद भी एक महान मानवतावादी थे। देश की साधारण जनता की गरीबी, बदहाली और पीड़ा से दुखी होकर उन्होंने लिखा है, मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। शिक्षित भारतीयों से वे कहते हैं, जब तक लाखों लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता। मानवतावादी राहत कार्य तथा समाज कार्य को जारी रखने के लिए 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की अनेक शाखाएं थीं और इसने स्कूल, अस्पताल और दवाखाने, अनाथालय, पुस्तकालय आदि खोलकर सामाजिक सेवा के कार्य किए। इस तरह इसका जोर व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और समाज सेवा पर था। अब हम स्वामी दयानंद और आर्य समाज को पढ़ेंगे। उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार का बीड़ा आर्य समाज ने उठाया। इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद, जिनका जीवन काल 1824 से 1883 तक था, ने की थी। उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थी व अज्ञानी पुरोहितों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा है। दयानंद ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त की, जिनको ईश्वर कृत्य होने के नाते वे अनुल्लंघनीय तथा सभी तरह के ज्ञान का भंडार मानते थे। उन्होंने बाद के उन सभी धार्मिक विचारों को रद्द कर दिया जो वेदों से मेल नहीं खाते थे। वेदों तथा उनकी अनुल्लंघनीयता पर इस तरह की पूर्ण निर्भरता ने उनकी शिक्षाओं को रूढ़वादी रंग में रंग दिया, क्योंकि उनकी अनुल्लंघनीयता का अर्थ यह है कि मानव बुद्धि अंतिम निर्णायक नहीं रही। फिर भी इस दृष्टिकोण का एक बुद्धिसंगत पक्ष भी था, कारण कि ईश्वर प्रदत्त होने के बावजूद वेदों की व्याख्या उन्हें तथा दूसरे मनुष्यों को ही बुद्धिसंगत ढंग से करनी होगी। वे मानते थे
कि प्रत्येक को ईश्वर तक सीधे पहुंचने का अधिकार है। इसके अलावा हिंदू कट्टरपंथ का समर्थन करने की बजाय उन्होंने इस पर हमला किया तथा इसके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ा। परिणाम स्वरूप वेदों की अपनी व्याख्या से उन्होंने जो भी शिक्षाएं ग्रहण की वे दूसरे भारतीय सुधारकों द्वारा प्रचलित किए जा रहे धार्मिक व सामाजिक सुधारों से मिलती जुलती थी। वे मूर्ति पूजा, कर्मकांड और पुरोहितवाद के तथा खासकर जाति प्रथा और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। उन्होंने इसी वास्तविक जगत में रह रहे मनुष्यों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया तथा दूसरी दुनिया में परंपरागत विश्वास से लोगों का ध्यान हटाया। वे पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन के भी समर्थक थे। दिलचस्प बात यह है कि स्वामी दयानंद ने केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जस्टिस रानाडे, गोपाल हरिदेशमुख तथा दूसरे आधुनिक धर्म समाज सुधारकों से मिलकर उनसे वाद विवाद भी किए थे। वास्तव में आर्य समाज का इतवारी सभाओं का विचार इस विषय में ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज के व्यवहार से मिलता जुलता था। स्वामी दयानंद के कुछ शिष्यों ने बाद में पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रसार के लिए देश भर में स्कूलों तथा कॉलेजों का एक पूरा जाल सा बिछा दिया। इस प्रयास में लाला हंस राज की एक प्रमुख भूमिका थी। दूसरी तरफ कुछ अधिक परंपरावादी शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट गुरुकुल की स्थापना की। आर्य समाजी सुधारक के प्रमुख समर्थक थे। स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। उन्होंने छुआछूत तथा वंश परंपरा पर आधारित जाति की कठोरताओं का विरोध किया। वे सामाजिक समानता के प्रचारक थे तथा उन्होंने सामाजिक एकता को मजबूत बनाया। उन्होंने जनता में आत्मसम्मान तथा स्वावलंबन की भावना भी जगाई। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ आर्य समाज का एक मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था। इसके कारण उन्होंने दूसरे धर्मों के खिलाफ एक जिहाद छेड़ दिया। यह जिहाद 20वीं सदी में भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार में सहायक कारण बन गया। आर्य समाज के सुधार कार्य ने समाज की बुराइयां खत्म करके जनता को एकबद्ध करने का प्रयास किया, मगर उसके धार्मिक कार्य में संभवतः अचेतन रूप में ही विकासमान हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों, सिखों और ईसाइयों के बीच पनप रही राष्ट्रीय एकता को भंग करने की ही प्रवृत्ति थी। उसे यह बात स्पष्ट नहीं थी कि भारत में राष्ट्रीय एकता धर्मनिरपेक्ष आधार पर तथा धर्म से परे रहकर ही संभव है, ताकि यह सभी धर्मों के लोगों को समेट सके। थियोसॉफिकल सोसाइटी को अब हम पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम एच पी ब्लावस्की तथा कर्नल एच एस ओलकॉट द्वारा की गई। बाद में ये भारत आ गए तथा 1886 में मद्रास के करीब अदियार में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। 1893 में भारत आने वाली श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफी आंदोलन जल्द ही भारत में फैल गया। थियोसॉफिस्ट प्रचार करते थे कि हिंदुत्व जरथुस्त मत यानी पारसी धर्म तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत किया जाए। उन्होंने आत्मा के पुनर्गमन के सिद्धांत का भी प्रचार किया। धार्मिक पुनरुत्थानवादियों के रूप में थियोसॉफिस्टों को बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन आधुनिक भारत के घटनाक्रमों में उनका एक विशिष्ट योगदान रहा।
यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। इससे भारतीयों को अपना खोया आत्मविश्वास फिर से पाने में सहायता मिली। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के मुख्य कार्यों में एक था बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। अब हम सर सैयद अहमद खां तथा अलीगढ़ आंदोलन को पढ़ेंगे। मुसलमानों में धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ कुछ देर से उभरा। उच्च वर्गों के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति के संपर्क से बचने की ही कोशिश की। केवल 1857 के महाविद्रोह के बाद ही धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार उभरने शुरू हुए। इस दिशा में आरंभ 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च तथा मध्य वर्गों के मुसलमानों को प्रेरित किया। मुसलमानों में सबसे प्रमुख सुधारक सैयद अहमद खान, जिनका जीवन काल 1817 से 1898 थे, वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले यह घोषणा किया कि इस्लाम की एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक कुरान है और सभी इस्लामी लेखन गौण महत्व का है। उन्होंने कुरान की व्याख्या भी समकालीन बुद्धिवाद तथा विज्ञान की रोशनी में की। उनके अनुसार कुरान की कोई भी व्याख्या अगर मानव बुद्धि, विज्ञान या प्रकृति से टकरा रही है तो वह वास्तव में गलत व्याख्या है। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं हैं। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, जैसा कि भारत में हुआ है। जीवन भर वे परंपरा के अंधानुकरण, रिवाजों पर भरोसा, अज्ञान तथा बुद्धिवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने लोगों से आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा विचार की स्वतंत्रता अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती, सभ्य जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कट्टरपंथ, संकुचित दृष्टि तथा अलग थलग रहने के खिलाफ भी चेतावनी दी तथा छात्रों और दूसरे लोगों से खुले दिल वाला तथा सहिष्णु बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बंद दिमाग सामाजिक बौद्धिक पिछड़ेपन की निराशी है। विश्व भर में अमर साहित्य के अध्ययन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, इससे यानी छात्र उस मानसिकता को समझ सकेगा जिसके सहारे महान व्यक्ति महान प्रश्नों पर विचार करते हैं। उसे पता चलेगा कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और यह व्यक्तिगत मत का पर्याप्त या मात्र समकक्ष नहीं होता और यह कि दुनिया उसके अपने पंथ, समाज या वर्ग से कहीं बहुत अधिक व्यापक है। सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधारा जा सकता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा का प्रचार जीवन पर्याय उनका प्रथम ध्येय था। एक अधिकारी के रूप में उन्होंने अनेक नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए थे और अनेक पश्चिमी ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद कराया था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है जिसे व्यवहारिक नैतिकता कहा जा सकता है।
वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है और इसलिए वे व्यक्तिक संबंधों में धार्मिक कट्टरता की निंदा करते थे। वे सांप्रदायिक टकराव के भी विरोधी थे। हिंदुओं और मुसलमानों से एकता का आग्रह करते हुए उन्होंने 1833 में कहा था, हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों में हम एक साथ हैं। भारत में हमारे निवास ने हम दोनों का खून बदल डाला है। हमारे शरीरों के रंग एक हो चुके हैं। हमारे हुलिये समान हो चुके हैं। मुसलमानों ने अनेक हिंदू रिवाजों को अपना लिया है तथा हिंदुओं ने मुसलमानों के आचार विचार की बहुत सी बातें ले ली हैं। हम इस कदर एक हो चुके हैं कि हमने एक नई भाषा उर्दू को विकसित किया है, जो ना हमारी भाषा है और ना हिंदुओं की। इसलिए हम अपने जीवन के उन पक्षों को छोड़ दें जो ईश्वर से संबंधित हैं। तो निसंदेह इस आधार पर कि हम दोनों एक ही देश में रहते हैं, हमारा एक राष्ट्र तथा देश है, हम दोनों की प्रगति और कल्याण, हमारी एकता, पारस्परिक सहानुभूति और प्रेम पर निर्भर है। जबकि हमारे पारस्परिक मतभेद, अकड़, विरोध तथा दुर्भावना निश्चित ही हमें नष्ट कर देंगी। इसके अलावा इस कॉलेज के कोर्स में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने भी दिल खोलकर दान दिया और इसके दरवाजे भी सभी भारतीयों के लिए खुले थे। उदाहरण के लिए 1898 में इस कॉलेज में 64 हिंदू और 285 मुसलमान छात्र थे। 7 भारतीय अध्यापकों में 2 हिंदू थे और इनमें एक संस्कृत का प्रोफेसर था, मगर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने अनुयायियों को उभरते राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए सैयद अहमद खां हिंदुओं के वर्चस्व की शिकायतें करने लगे थे। यह दुर्भाग्य की बात थी, फिर भी वह बुनियादी तौर पर सांप्रदायिक नहीं थे। वह केवल यह चाहते थे कि मध्य तथा उच्च वर्गों के मुसलमानों का पिछड़ापन खत्म हो। उनकी राजनीति उनके इस दृढ़ विश्वास की उपज थी कि ब्रिटिश सरकार को आसानी से नहीं हटाया जा सकता और इसलिए तात्कालिक राजनीतिक प्रगति संभव नहीं है। दूसरी तरफ अधिकारियों की जरा भी शत्रुता शिक्षा प्रसार के प्रयास के लिए घातक हो सकती थी, जबकि वे इसे वक्त की जरूरत समझते थे। उनका विश्वास था कि जब भारतीय भी विचार व कर्म से अंग्रेजों जितने आधुनिक बन जाएंगे, केवल तभी वे सफलता के साथ विदेशी शासन को ललकार सकेंगे। इसलिए उन्होंने सभी भारतीयों तथा खासकर शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को सलाह दी कि वे कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहें। उनके अनुसार राजनीति का समय अभी नहीं आया था। वास्तव में वे अपने कॉलेज तथा शिक्षा प्रसार के उद्देश्य के प्रति इस तरह समर्पित हो चुके थे कि इसके लिए अन्य सभी हितों का बलिदान करने को तैयार थे। परिणाम स्वरूप रूढ़वादी मुसलमानों को कॉलेज का विरोध करने से रोकने के लिए उन्होंने धार्मिक सुधार के आंदोलन को भी लगभग त्याग दिया था। इसी कारण से वे कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे सरकार रुष्ट होती, तथा दूसरी ओर वे सांप्रदायिकता और अलगाववाद को प्रोत्साहन देने लगे थे। निश्चित ही यह एक गंभीर राजनीतिक त्रुटि थी। इसके बाद में हानिकारक परिणाम निकले। इसके अलावा उनके कुछ अनुयायी उनकी तरह खुले दिल वाले नहीं रहे और वे बाद में इस्लाम का तथा उसके अतीत का महिमा मंडल करने लगे तथा दूसरे धर्मों की आलोचना करने लगे। सैयद अहमद खां ने सामाजिक सुधार के काम में भी उत्साह दिखाया। उन्होंने मुसलमानों से मध्यकालीन रीत रिवाज तथा विचार व कर्म की पद्धतियों को छोड़ देने का आग्रह किया
उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के बारे में लिखा। उन्होंने पर्दा प्रथा खत्म करने तथा स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने का समर्थन किया। उन्होंने बहुविवाह प्रथा तथा मामूली बातों पर तलाक के रिवाज की भी निंदा की। सैयद अहमद खां की सहायता उनके कुछ वफादार अनुयायी किया करते थे। इन्हें सामूहिक रूप से अलीगढ़ समूह कहा जाता है। चिराग अली, उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, नजीर अहमद तथा मौलाना सिबली नुमानी आदि अलीगढ़ आंदोलन के कुछ और प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट समाप्त हुआ। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।